तो गाइस अभी मैं ना ये वायर वाले माइक से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। और ये दोस्तों मेरे पास जो आईफोन है उसके अंदर ये लगता भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है 3.5 mm वाला जैक जो कि अभी किसी भी फ़ोन में नहीं आता। तो इससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो चलिए दोस्तों नए माइक कोई ऑर्डर कर लेते हैं वायरलेस। तो अभी आप देख सकते हैं गिरनारो का माइक है दोस्तों, जो कि है J11 एंड एक वायरलेस माइक है और उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो आज हम इसी को मंगवा लेते हैं एंड देखेंगे कि ये कैसे यहाँ पर साउंड क्वालिटी देता है। पूरा रिव्यू मैं आपको इसका देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसके पहले मंगा लेते। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि जो माइक है अभी लैपटॉप के अंदर है, लेकिन हम इसको बाहर निकालना पड़ेगा तभी हम इसका रिव्यू कर पाएंगे। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस माइक हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं एंड फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर कैसे यहाँ पर माइक की क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है और कैसे साउंड क्वालिटी हमें मिलेगी। तो गाइस कुछ ऐसा बॉक्स यहाँ पर आपको इसका देखने के लिए मिल जाता है एंड बॉक्स को जो हम जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको एक पॉलीथिन के अंदर यहाँ पर ये बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आपका माइक है और जो रिसीवर है वो भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। एंड उसके साथ ही यहाँ पर आपको केबल देखने के लिए मिल जाती है। एंड इस केबल को दोस्तों बहुत ही छोटी केबल है, बस यहाँ पर माइक आप इसके साथ चार्ज कर सकते हैं और इसको आपको अडैप्टर के अंदर लगा लेना है। एंड ये सी टाइप है तो आप इसके अंदर से आसान से यहाँ पर इसको चार्ज कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर बिल्कुल ही फंस जाती है क्योंकि नई है, मैंने इसको एक बार भी यूज़ नहीं किया अभी तक। तो अभी बिल्कुल ही यहाँ पर, और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक ये यहाँ पर आपको OTG भी देखने के लिए मिल जाती है। तो मेरे पास ये मैंने आईफोन के लिए मंगाया है तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर OTG भी आई है। अगर आपको यहाँ पर एंड्रॉयड के लिए चाहिए तो यहाँ पर आपको 100 रुपये कम में मिल जाएगा ये, उसके अंदर आपको ये वाला अडेप्टर है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। एंड ये कुछ बॉक्स वगैरह हैं, उसके साथ ही यहाँ पर आपको वारंटी कार्ड भी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे कि आप इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। एंड उसके लिए यहाँ पर आपको इनकी ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा तब भी आप इनकी यहाँ पर वारंटी को क्लेम कर पाएंगे। तो उसके बाद इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कर देते हैं साइड और अभी हम दोस्तों सीधा माइक पर आ जाते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको माइक देखने के लिए मिल जाता है। ये है इसका रिसीवर जो कि आपके फ़ोन के अंदर लगेगा। तो ये जो फ़ोन है इसके अंदर यहाँ पर आपको सिंपली से इसको लगा देना है एंड जैसे आप इसको लगाएंगे इसके अंदर तो यहाँ पर आपको जो माइक है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। माइक के अंदर एक बटन है, जैसे आप इस माइक को यहाँ पर ऐसे प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि माइक के अंदर यहाँ पर लाइट जलने लग गई है। तो उसके बाद आपका माइक स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बस यही कुछ है। एंड अगर बात करें इसके केस की तो केस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल ही चीप केस यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये देखो बिल्कुल ही चीप केस है, मतलब कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। बट माइक की क्वालिटी हम देखेंगे कि कैसी है, वॉइस आपको कैसी आ रही है। तो भी आप जो यहाँ पर ऑडियो सुन रहे हैं ये दोस्तों रिकॉर्ड हो रही है इस बोया वाले माइक से। तो ये वाली ऑडियो इस वाले माइक से यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, आप देख लेना कि क्वालिटी आपको कैसी देखने के लिए मिल रही है। ये एक वायर वाला माइक है जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ एंड अभी मैं आपको ये वाला माइक लगा के दिखाऊंगा ग्रिनारियो का, आप देख लेना कि इसकी क्वालिटी आपको कैसे देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस अभी मैंने इस वाले माइक को ऑन कर दिया है एंड अभी दोस्तों जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो इसी वाले माइक से रिकॉर्ड हो रही है। तो आप देख लेना कि वॉइस की क्वालिटी कैसी आ रही है। पहले जो यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड हो रही थी वो बोया बाय M1 वाले माइक से रिकॉर्ड हो रही थी, जो कि आपको आराम से 700-800 रुपये देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसका प्राइस अभी अमेजोन पे जो यहाँ पर सेल चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वाली, उसके अंदर दोस्तों मुझे यहाँ पर 1450 का मिला है ये वाला माइक। एंड आप देख लेना कि अगर आप इसको सस्ता मिलता है या फिर इससे महंगा मिलता है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि इसका प्राइस ऊपर नीचे यहाँ पर होता रहता है। तो कुछ ऐसी यहाँ पर क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है एंड इसके अंदर और भी फीचर्स हैं जैसे कि नॉइज़ रिडक्शन वाला। तो नॉइज़ रिडक्शन वाला वैसे यहाँ पर तो कोई काम का है नहीं, क्योंकि मैं तो अंदर ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा नॉइज़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर वीडियो बनाते हैं आउटडोर में तो ये आपके लिए काम हो सकता है। तो मैं आपको बाहर चलकर भी दिखाऊंगा कि इसका नॉइज़ रिडक्शन कैसे काम करता है। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि वॉइस यहाँ पर कैसी आ रही है और मैं यहाँ पर आपको इसको कोल्डर पर लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि सारे लोग इसको कोल्डर पर यूज़ करते होंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसको यहाँ पर कोल्डर पर लगा दिया है एंड अभी आप देख लेना कि वॉइस की क्वालिटी कैसी आ रही है। मुझे तो लगता है कि सही आ रही होगी और सही है माइक। वैसे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली से इसका रिसीवर मोबाइल में लगाना है एंड इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन वगैरह भी डाउनलोड नहीं करनी पड़ती है। और अगर आपके मोबाइल के अंदर नहीं काम करता तो आप ओपन कैमरा को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर बिल्कुल सही से वर्क कर जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन वाला फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं मैं बाहर आ चुका हूँ यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन का टेस्ट करने के लिए एंड आप देख सकते हैं पीछे रोड है दोस्तों और पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी चल रही है, उसकी भी आवाज़ आपको माइक के अंदर आ रही होगी। एंड इसके अंदर आपको 3 लेवल का यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन देखने के लिए मिल जाता है। अभी ये 0 लेवल पर है एंड मैं जैसे ही एक बार बटन को प्रेस करूँगा अभी ये दोस्तों 1 पर आ चुका है और अभी आप देख लेना कि कैसी यहाँ पर आवाज़ आ रही है। और अभी ये 2 पर मैंने कर दिया है, तो जैसे ही आप ये बटन को दबाओगे 2 बार ब्लिंक करेगा तो आपका 2 पर आ जाएगा। एंड उसके बाद एक बार मैंने प्रेस कर दिया, अभी ये 3 पर आ चुका है। अभी आपको जो ट्रैफिक की आवाज़ है बहुत ज़्यादा कम हो गई होगी, नॉइज़ भी कम हो गई होगी। और अभी मैं आपको दूर चल कर दिखा देता हूँ कि कितनी दूर तक इसकी आवाज़ आपको सुनने के लिए मिल जाती है।
तो अब ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इतनी दूर तक आ चुका हूँ। अभी दोस्तों मैं कुछ इतनी दूर यहाँ पर आ चुका हूँ, और अभी अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप बता देना कि अगर आपको सही आवाज़ आ रही है तो मैं तो अभी जब वीडियो देखूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि आवाज़ आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो कुछ ऐसा दोस्तों यहाँ पर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है, तो अगर आप इस वाले माइक को यूज़ करते हैं तो ऐसी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाती है। हे गाइस, तो ये थी दोस्तों वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, एंड इस वाले माइक की क्वालिटी आप देख लेना कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा माइक है वैसे, अगर आप व्लॉग वगैरह बनाते हैं, आउटडोर में वीडियो बनाते हैं तो इसके लिए भी काफ़ी अच्छा माइक दोस्तों ये वाला हो सकता है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर हो सकेगा दोस्तों मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बैठा जय हिंद।